अब आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम बहुत ही अच्छा तरीका से एक डायग्राम बना करके आप लोगों को पूरा नंबर के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला डायग्राम में ये छोटा वाला जो सर्किल है, सर्किल तो नहीं है, ये इलिप्स टाइप का है, ये छोटा वाला, इसमें आपको ये दिख रहा होगा 1, 2, 3, ... एन लिखा हुआ है ऊपर में, यानी कि यह नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, देखिए ये नेचुरल नंबर तो है ही, इसमें जीरो ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये सेट बन गया है, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर इसमें -3, -2, -1 सेट कर दिए हैं, ये होल नंबर तो हो ही गया दोनों मिला करके, इस होल नंबर में सेट कर दिया -3, -1 को, तो ये बन गया आपको कौन किसका सेट, इंटीजर्स यानी कि आई और जेड का, जेड मतलब इंटीजर्स ही होता है, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, तो आई और जेड का यह सेट बन गया, यानी कि इंटीजर्स का सेट बन गया। ठीक है, अब इस पूरे इंटीजर्स को हम लोग यहाँ पे 1/2, 3/4, 2/0/2, 0.3 पे रेकरिंग है, 0.16, 9/7... ये जो है पूरी सेट, ये क्या बना, ये पूरा सेट जो है, ये पूरा सेट बन गया आपको क्यू का, क्यू मतलब रेशनल नंबर का, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और ये सभी जो है रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो है वह क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, सभी होल नंबर जो है वह इंटीजर्स कहलाएगा, और सभी इंटीजर्स जो है वह रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर का सेट हो गया। इसके बाद एक अलग तरह का सेट होता है, ये अलग तरह का सेट है, √2, √3, √5, √7, π, ये अलग तरह का सेट है, इसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर, इसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। ये हो गया रेशनल का सेट, इधर ये जो है इतना बड़ा, ये इरेशनल का सेट हो गया, और ये रेशनल का सेट हो गया, इरेशनल का, और ये रेशनल का हो गया, समझ गए। और ये सभी को मिला करके, ये रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके एक बड़ा सेट बना, उस सेट का नाम पड़ा रियल नंबर्स। अब तो रियल नंबर्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी हमारे विचार से।